रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से जंग जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिसके बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों यानी कि यूक्रेन के लगभग 15% भूभाग को रूस में मिलाने की तैयारी की है, जिसके लिए पुतिन ने रिजर्व सैनिकों के आंशिक तौर पर तैनाती का आदेश भी दे दिया है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए पुतिन ने आंशिक लामबंदी कहा है। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस की ये सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है। इसके तहत रूस ने करीब 3 लाख सैनिकों की तैनाती की तैयारी की है। मकसद है यूक्रेन से जंग जीतना और पश्चिमी देशों को जवाब देना। पुतिन का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में जंग से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। पुतिन के इस ऐलान से पोलैंड, रोमानिया, मालडोवा, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। दरअसल युद्ध के दौरान ये देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में है। पुतिन अपने 3 लाख सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के 4 हिस्सों पर करना चाहते हैं ताकि वो पूरा कब्जा कर लें। रूस यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खुरासान और ज़ापोरिज़्या को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने इन इलाकों में जनमत संग्रह कराने का भी आदेश दिया है। इन 4 इलाकों में रूस 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह करा रहा है। आपको बता दें कि इस 4 इलाकों में डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ इलाकों पर वर्ष 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। वहीं खेरसान पर रूसी सेनाओं ने जंग की शुरुआत में और ज़ापोरिज़्या शहर पर पिछले महीने ही कब्जा किया है। माना जा रहा है कि जनमत संग्रह के बाद रूस इन तमाम इलाकों को अपने में मिला लेगा। हालांकि यूक्रेन ने इस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है और उसे नाजायज बताकर नकार दिया है, लेकिन अगर मॉस्को को इस जनमत संग्रह में जीत मिलती है तो यूक्रेन के हिस्से की 15% क्षेत्र पर रूस कब्जा कर लेगा और उन क्षेत्रों को रूस अपने देश में मिला लेगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस ने वर्ष 2014 में भी यूक्रेन पर हमला किया था और क्रीमिया को यूक्रेन से काटकर अलग किया था। उस समय भी जनमत संग्रह किया गया था और आश्चर्यजनक रूप से 97% लोगों ने रूस के समर्थन में मतदान किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस जनमत संग्रह को भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन क्रीमिया पर अब रूस का ही कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से मतदान प्रक्रिया होगी। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार इन 4 क्षेत्रों में मतदान मशीन की जगह बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जाएगी। तो वहीं मतपत्रों पर 3 अलग-अलग प्रकार के सवाल होंगे, जिसमें निवासियों से पूछा जाएगा कि क्या आप यूक्रेन से अलग होने के पक्ष में हैं? क्या आप इस क्षेत्र के अलग राज्य बनाने के समर्थन में हैं? क्या आप इस क्षेत्र के रूसी संघ के एक विषय के रूप में रूसी संघ में शामिल होने के पक्ष में हैं? आपको बता दें कि मतदान वो अंतिम प्रक्रिया होगी जिसके बाद रूस इन 4 क्षेत्रों को अपने में मिला लेगा। तो वहीं इन सब के बीच यूक्रेन ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि जनमत संग्रह ताकत के बजाय रूस की कमजोरी का संकेत है।